कैसे हो सकता है कि मैंने आइजर को भी ना समझाई होगा? ये कल नहीं, लास्ट वीक ये मैंने आप लोगों को उसमें बताया होगा ना, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। जी सर, वहां समझ हाँ, मैं वही वहां बोल रहा समझाया हूँ, था। वहां मैंने आप लोगों को बताया था आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके हवाले से बात मैं वहां पे कर चुका हूँ, तो आगे चलते हैं। आज हम अपने मजीद दो टॉपिक्स की तरफ बात करेंगे। सर आप अभी स्क्रीन शेयर कर रहे थे। जी स्क्रीन शेयर कर रहा था, ये कह रहे हो? नहीं सर, तो स्क्रीन तो शेयर नहीं कर रहा। अच्छा, हम बात कर रहे थे आइसोमॉर्फिज्म के हवाले से। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? सर ब्लर हो रहा है सर, सही नजर नहीं आ रहा। ब्लर हो रहा है मेरे हिसाब से तो जी क्लियर सर है। ब्लर हो रहा है, अब थोड़ा सही हुआ है, पहले तो बहुत धुंधला था। सर जो दो दो सब्सटेंसेस है उसमें सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो उस फिनोमेना को आइसोमोरिज्म कहते हैं। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स तो टू सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब कभी ऐसा हो कि दो सब्सटेंसेस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे NaF होता है और MgO होता है, इन दोनों के अगर शेप की बात करें तो इन दोनों का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, दोनों क्यूबिक शेप के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से K2SO4 और K2SeO4, K2SeO4, ठीक है, K2SO4 और K2SeO4, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, होता है ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहलाता है ये? ऑर्थोरोम्बिक। दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। देखो एग्जांपल तो हमारे पास और भी हो सकती है, फिलहाल जो समझने की चीज है वो ये है कि जब मैं कह रहा हूँ ना कि इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो आई मीन टू से दैट कि अगर दोनों क्यूब, फॉर एग्जाम्पल NaF जो है, ये NaF जो है ये क्यूब है, तो अल्टीमेटली ये जो MgO होगा इसका शेप भी कैसा होगा, इसका शेप भी क्यूब ही होगा। सही है, दे बोथ आर क्यूब्स या क्यूबिक इन शेप। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। बात समझ में आई बेटा? जी सर। अच्छा, अब जो हमारे पास अगली चीज है,
वो क्या है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी या मोर देन वन, और मॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पर ये आता है कि मतलब लाइक जैसे कहते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक है, या शेप, यहाँ पर एग्जिस्टेंस की सूरत में ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आइसो का मतलब होगा सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होगा एग्जिस्टेंस, यानी सेम एग्जिस्टेंस, सेम क्रिस्टल्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होगा कि मैनी एग्जिस्टेंस, यानी बहुत सारी एग्जिस्टेंस में पाया जाता है, बहुत सारी तरह से पाया जाता है। क्या मतलब है अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं, अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट, सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाए, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि कार्बन है, अच्छा मोर देन वन क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या था, मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाए उसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन के दो फॉर्म्स हैं, एक है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट, दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गए कार्बन की, ठीक है, दोनों कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, बट दोनों ही का स्ट्रक्चर अलग होता है। डायमंड का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और ग्रेफाइट का शेप जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और दोनों है क्या, दोनों कार्बन। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं सल्फर की। सल्फर की भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर बेटा, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म में बात कर रहे थे। अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म में एक तो है रोम्बिक सल्फर और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। अच्छा आपने सल्फर के दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं कि आपने कम से कम कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म जरूर देखी होगी, चाहे वो असलियत में ना देखी हो लेकिन टीवी वगैरह में देखी होगी। ग्रेफाइट देखना है तो अपनी पेंसिल की टिप को देख लो, ग्रेफाइट है समझ लो, ठीक है, और डायमंड जो है वो आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा भाई होगा, सही। तो ये आ गया आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा आप दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट करें आइसोमॉर्फिज्म में और पॉलीमॉर्फिज्म में, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके एक से ज्यादा मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का एक जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाना क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का एक सब्सटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाना। दोनों बातें याद रखना, यहाँ पर क्या है अलग अलग सब्सटेंस का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाना और यहाँ पर क्या है एक सब्सटेंस का अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाना। यहाँ पर सब्सटेंसेस अलग अलग है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है। जी बेटा सर वो पॉलीमॉर्फिज्म दोबारा समझा दें। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज होती है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे लिखा हुआ है कि अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन, मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाए, यानी कि जो आपको अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में अलग अलग सब्सटेंस थे और एक जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म में एक सब्सटेंस है और अलग अलग जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये दोनों का डिफरेंस है। Am I clear?
यस सर। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब एक ही एलिमेंट के क्रिस्टल्स अलग अलग कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि एक ही एलिमेंट के क्रिस्टल एक अलग अलग हो जाते हैं? बेटा बेसिकली देखो ये ट्रीटमेंट के ऊपर है, इसको ऐसे समझ लो। अगर इसकी एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दूं कि प्लास्टिक की मिसाल लो, देखो प्लास्टिक की इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। मेरे हाथ में जो मार्कर है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये जो बोर्ड है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव सेम कैन हैव सेम मटेरियल, मुख्तलिफ चीजों को आप एक तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हो एक मटेरियल से, लेकिन अगर दोनों के मुकाबले में दोनों पे कंपैरिजन करो कि क्या दोनों चीजें एक जैसी हैं या नहीं है, तो बोर्ड में और इसमें फर्क होता है। ये अल्लाह की कुदरत है। देखो सब्सटेंस का एक होना और उसका मुख्तलिफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाना, अब ये ऐसा होता कैसे? डेफिनेटली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज जो आता है वो ऐसे आता है कि एटम के अलाइनमेंट में फर्क आ जाता है। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये टेट्राहेड्रल है तो इसमें कार्बन के एटम्स किस तरीके से जुड़े होते हैं? इसमें कार्बन के एटम कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं, ये डॉट वाले के बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन का मतलब ये इस वाले कार्बन के पीछे इसको सामने की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका शेप ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूँ यही सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ग्रेफाइट के लिए, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने कल भी ड्रॉ किया था, इस तरह से एक हेक्सागोनल रिंग बनता है। ड्रॉइंग मेरी बहुत ज्यादा खराब है ये मैं कल भी बता चुका हूँ, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अजय आपने कार्बन और सल्फर के एलोटोप्स लिखे हैं आपने, ये एलोटोप्स भी कहला सकते हैं और इनको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। देखो एलोटोप्स का अक्सर मसला ये होता है कि जो एलोटोप होते हैं ना वो नॉन क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, एलोट्रोप नॉन क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, बट पॉलीमॉर्फिज्म में सारी की सारी चीजें क्रिस्टलाइन होती हैं। अगर मैं सल्फर के एलोट्रोप, जैसे तुमने सवाल किया, अच्छा एक मिनट रुको, हमारा आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अब आसिफ भाई तुम सुन लो, देखो जैसे सल्फर के तीन एलोट्रोप होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर और एक होता है प्लास्टिक सल्फर, जो आपने 9th में पढ़ा था अगर याद हो तो, ठीक है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक सल्फर का जिक्र नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ प्लास्टिक सल्फर का जिक्र? क्योंकि प्लास्टिक सल्फर क्रिस्टलाइन होता ही नहीं, यहाँ हम सिर्फ उसी की बात कर सकते हैं जो क्रिस्टलाइन। एलोट्रोप होना शर्त नहीं है, या ये कह लो एलोट्रोप तो होगा ही, तभी तो ये एक ही चीज और अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सही है। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म में शर्त ये है कि स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन हो, एमोर्फस स्ट्रक्चर ना हो या प्लास्टिक स्ट्रक्चर ना हो, कोई और किस्म का स्ट्रक्चर नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म में शर्त यह है। एलोट्रोपी में शर्त यह है कि होना सल्फर चाहिए स्ट्रक्चर कोई भी, होना कार्बन चाहिए स्ट्रक्चर कोई भी, पर समझ में आया दोनों का? यस सर मुझे। कासिम अहमद आपने हैंड रेस किया हुआ है, बोले क्या कह रहे हैं?